हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोक्सीलेशन मतलब जानते हैं आप लोग? तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई सी भी एल्कीन है एंड यू रिएक्ट विद द, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, एल्केलाइन डाइल्यूट कोड KMnO4। एल्केलाइन डाइल्यूट कोल्ड KMnO4, इसको अपन कहते हैं बेस रिएजेंट और इट इज वॉयलेट इन कलर। क्या स्पेलिंग होती है वॉयलेट की? VIO। VOI है, जो भी है भाई, बैंगनी होता है ना। एल्केलाइन डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 को अपन बेयर्स रिएजेंट कहते हैं और जब भी आप इसकी रिएक्शन किसी एक एल्कीन से करवाते हैं तो एल्कीन इज बेसिकली एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या होता है इस केस में, देयर विल बी द सिन एडिशन ऑफ द OH ग्रुप। सिन एडिशन मतलब एक ही तरफ दो OH ग्रुप आपके पास में अटैच हो जाते हैं और कुछ ये बनता है OH। और ये जो इसका कलर था वो क्या हो जाएगा, कलर आपके पास में दिस कलर डिसअपीयर्स एंड इट बिकम कलरलेस। तो एल्केलाइन डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 दैट इज नॉन एज ए बेयर्स रिएजेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डबल बॉन्ड और द अनसेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हॉट होगा तो मान लो हॉट हो गया, हाँ उड़ा देगा इनको सबको, यहाँ CO2 वाटर पता नहीं क्या बनेगा और सब खत्म, वहां पे कुछ नहीं बचेगा। आप अगर आधे घंटे बाद जाके वहां देखें उस कंटेनर को जिसमें रिएक्शन हुई थी तो वहां कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द एल्केलाइन डाइल्यूट एंड कोल्ड, डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4। जो KMnO4 का कलर है बेसिकली वही इसका कलर है और आपके पास में ये बनता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद द सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विद H2SO4। क्या आप किसी भी एल्कीन को H2SO4 से डिहाइड्रेट कर सकते हो? मतलब अगर मान लीजिए आपको लगता है कि किसी एल्कीन में पानी है और आप चाहते हो कि वहां से उस वाटर को बाहर निकालना है, तो क्या आप वहां पर H2SO4 यूज कर सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कैसे? बहुत बढ़िया। और अरे CH3 ये तुम्हारे पास में प्रोपीन है, अपने हिसाब से जवाब देते रहते हैं बस। एंड मान लीजिए पानी है और आपने इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाई तो रिक्वायरमेंट क्या होती है पता है आप लोगों को? अगर आप कोई सा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, आप लोगों को नहीं बताया था मैंने? तो अगर मेरे पास में प्रोपीन है और इसमें वाटर ऐड हो रखा है तो मैं उसको H2SO4 से डिहाइड्रेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि H2SO4 जो है वो पहले प्रोपीन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा, नहीं करेगा? बिल्कुल कर जाएगा, ये दो चीज़ें दे सकता है, एक तो H+ आयन और दूसरा HSO4-। तो H+ आयन बाहर की तरफ अटैच हो जाएगा
और आपके पास में क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उसके बाद में HSO4- आके अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली ये बनता है। तो आप कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड से एल्कीन को डिहाइड्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एल्कीन के साथ में रिएक्ट करता है। लेकिन एल्केन्स को कर सकते हो, बिकॉज एल्केन जो है वो क्या होती है, सेचुरेटेड, और वहां पर एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, वहां पर एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी बात, दिस रिएक्शन कैन डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट इन बिटवीन एल्केन्स एंड एल्कीन्स। इसके अलावा जो मैंने आप लोग एक रिएक्शन बताई थी, दैट इफ यू रिएक्ट विद द हेलोजन टू एनी एल्कीन, जैसे मान लीजिए आपके पास में ब्रोमीन था, इससे आपने रिएक्शन करवाई थी, तो वहां क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, एंटी एडिशन ऑफ Br, तो कुछ ऐसा बन रहा था CH3 CHBr एंड CH2Br। तो एंटी एडिशन हो रहा था, तो एंटी एडिशन हो रहा, लेकिन साइमल्टेनियसली जो बी आर है उसका कलर रेड होता है, और जैसे ही रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगा, कलर डिसअपीयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से भी अपन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये तीनों रिएक्शन एक ही काम आती है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तीनों रिएक्शन, इनका एक ही काम है, वेदर इज द हाइड्रोक्सीलेशन और इट इज एडिशन ऑफ HSO4 और रिएक्शन विद HSO4 और द रिएक्शन विद हेलोजन। इन तीनों रिएक्शंस की एक ही क्लास है, दैट दीज रिएक्शंस आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मेनली बिकॉज दीज रिएक्शंस आर वेरी इजी टू परफॉर्म, बिकॉज HSO4 एंड ऑल दीज आर क्वाइट कॉमन रिएजेंट्स। Thank you.